हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में प्रोनाउन का पार्ट्स पढ़ाएंगे। डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में संकेत वाचक सर्वनाम कहते हैं। द प्रोनाउन यूज टू पॉइंट आउट द पर्सन और थिंग टू विच इट रिफर्स इज कॉल्ड अ डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। यानी जिस प्रोनाउन का प्रयोग व्यक्ति या वस्तु को निर्दिष्ट करने के लिए होता है, उसे ही हम डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस, दैट, दिस और दोस आता है। दिस का प्लूरल यानी टी एच आई एस, दिस का प्लूरल होता है दीज, टी एच ई एस ई, तथा दैट का प्लूरल होता है दोज। दिस और दीज का प्रयोग नज़दीक की चीज़ के लिए होता है। जब हम कोई सामने का चीज़ दिखाते हैं तब इसमें एक रहेगा, सिंगुलर रहेगा तो दिस होगा, और एक से अगर ज़्यादा सामने में कोई चीज़ रहेगा तो रहोगा दिस, टी एच ई एस ई। और जब हम दूर की चीज़ को दिखाते हैं तब उसमें अगर एक रहेगा, सिंगुलर रहेगा, तो दूर का चीज़ में दैट होता है, और अगर दूर में एक से ज़्यादा चीज होगा, थिंग्स होगा, तो उसमें दोज लगाया जाता है। तो बच्चों, आप इतना जान लीजिए कि डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन में दीज, दैट, दीज और दोज का यूज़ होता है। अब चलिए आपको हम एग्जांपल के साथ समझा देते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज अ बुक, यानी इसमें निश्चयता का बोध हो रहा है। दिस इज अ बुक, यह एक किताब है, मतलब ये निश्चित होकर बता रहा है कि यह एक किताब है। और एक उदाहरण ले लेते हम दैट से। दैट इज अ ट्री, वह एक पेड़ है। यहाँ पर निश्चयता का बोध हो रहा कि वह एक पेड़ है, यानी जब सामने में कोई चीज़ एक रहेगा तो उसमें टी एच आई एस, दिस का प्रयोग होता है, और जब कोई एक चीज़ दूर में रहेगा तो दैट का, टी एच ए टी, दैट, वह का प्रयोग होता है। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, दीज आर कप्स, दीज आर कप्स। जब सामने में एक से ज़्यादा कोई वस्तु रहे तब उसमें दीज का प्रयोग होता है, सामने में एक से ज़्यादा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दोज का यूज़ जब दूर में एक से ज़्यादा कोई थिंग्स रहे तब दोज का यूज़ होता है। यानी आप इतना जान लीजिए, जो डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, संकेतवाचक सर्वनाम है, उसमें दीस, दैट, दीज आर, दोज का प्रयोग होता है। इन वाक्य में दीस, दैट, दीज और दोज क्या है? डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब चलिए बच्चों, आपको हम समझाते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन किसे कहते हैं, एग्जांपल के साथ। इनडेफिनिट प्रोनाउन को हिंदी में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जिसमें निश्चयता का बोध नहीं होता है। इनडेफिनिट प्रोनाउन रिफर टू पर्सन और थिंग्स इन अ वर्ग और जनरल वे। यानी जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, उसे हम इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे इसमें आता है
anybody, some, all, no one, इन सब वर्ड इसमें आते हैं। चलिए आपको हम एग्जाम्पल के साथ इसको समझा देते हैं। anybody, anybody can do it, anybody can do it, इसे कोई भी कर सकता है। anybody can do it, इसे कोई भी कर सकता है। यहाँ पर anybody यानी कोई भी, हिंदी में क्या होगा, कोई भी, यही हो जाएगा इनडेफिनेट प्रोनाउन। नेक्स्ट और एग्जांपल देके हम समझाते हैं। शम समवेयर हैप्पी, कुछ खुश थे, इसका मतलब होता कुछ खुश थे। ये जो सम है कुछ, ये क्या हो जाएगा, इनडेफिनेट प्रोनाउन, इसमें निश्चयता का बोध नहीं हो रहा है। और एक एग्जांपल लेते हैं, ऑल आर नॉट फूल्स, ऑल आर नॉट फूल्स, सभी मूर्ख नहीं हैं। यहाँ पर बता रहा है कि सभी मूर्ख नहीं हैं। यहाँ पर ऑल हो जाएगा इनडेफिनेट प्रोनाउन। और एक एग्जांपल लेते हैं, नो वन वेंट देयर, कोई भी वहाँ नहीं गया, कोई भी, ये जो नो वन है इसका हिंदी होगा कोई भी, और यही नो वन इनडेफिनेट प्रोनाउन। यानी बच्चों, जिस प्रोनाउन से किसी भी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे हम इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। यानी यहाँ पर एनीबॉडी, सम, ऑल, नो वन, यही सब है इनडेफिनेट प्रोनाउन का एग्जाम्पल। अब बच्चों आइए आपको हम पढ़ाते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, यानी जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य बनाने में होता है उसे हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जिसमें प्रश्न किया जाता है। और बच्चों आपको आसान तरीका बता दे रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन किया जाएगा और उसमें क्वेश्चन मार्क भी दिया रहेगा, वही हो जाएगा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे हु, होम, हुज, व्हाट, विच, ये सब इंटरोगेटिव प्रोनाउन का एग्जांपल है। तो चलिए कुछ एग्जांपल के साथ आपको हम समझा देते हैं। हु इज दैट बॉय, हु इज दैट बॉय, वह कौन लड़का है। तो यहाँ पर हु क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। और यहाँ पर देखिए हु भी है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी है, ये देखकर ही आप समझ जाओगे कि ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। और एक एग्जांपल ले लेते, होम डिड यू सी, क्वेश्चन मार्क, होम डिड यू सी, तुमने किसको देखा। यानी यहाँ पर होम, किसको, ये क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। और एक एग्जांपल हम लेते हैं, हुज इज
हुज इज दिस कैप? हुज इज दिस कैप? यह किसकी टोपी है? तो यहाँ पर हुज यानी किसकी, ये हो जाएगा इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। और एक एग्जांपल से हम आपको सिखाते हैं, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, या क्या है, व्हाट का मतलब क्या, ये व्हाट हो जाएगा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि मेरा पढ़ाई आपको कैसे लगता है, और अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।